सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में भी तेज है, जहां पर शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज 3 बजे कार्यकारिणी बैठक दिल्ली स्थित एनसीपी के दफ्तर में होनी है। यहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले की अगुवाई में कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और अब शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके। महाराष्ट्र में पार्टी टूटने के बाद शरद पवार इस बैठक से बहुत उम्मीदें कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक शरद पवार के लिए। अशोक सिंघल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, शरद पवार पहुंच गए हैं? देखिए अभी घर नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं, दिल्ली आ चुके हैं। सुप्रिया सुले भी, उनकी बेटी उनके साथ है, लेकिन 3 बजे ये बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति बनाने को लेकर बातचीत होगी और शरद पवार की लीडरशिप है उसमें दोबारा से एक तरीके से सहानुभूति और आस्था व्यक्त की जाएगी और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा कि क्योंकि शरद पवार खुद कह चुके हैं कि वो जमीन पे उतर करके पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। कल सबने देखा, एक तरफ अजीत पवार की मीटिंग हुई थी, दूसरी तरफ शरद पवार की मीटिंग हुई थी। 32 विधायक जो है अजीत पवार की मीटिंग में मौजूद थे, 16 शरद पवार की मीटिंग में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं 32 और 16 डबल विधायक उनके पास थे अजीत पवार के पास। लेकिन जिस ढंग से टारगेट किया गया शरद पवार को रिटायरमेंट को लेकर के कि अब उनको बहुत उचका रिटायर हो जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रिया सुले ने उसका काउंटर किया कि मेरे पिताजी में अभी भी दम है, वो लोगों के बीच के नेता हैं और फारूक अब्दुल्ला उनसे बड़े हैं, अमिताभ बच्चन, तमाम उदाहरण दिए गए। लेकिन आज जो बैठक होगी चुनाव आयोग से लेकर के कानूनी पहलू क्या है, इसका क्या प्रमुख एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी बैठक और मीटिंग का दौर कल भी मुंबई में हमने देखा, लेकिन फोकस अब दिल्ली की ओर क्यों? मैं नेहा वही आपको बता रहा था अभी कि जो बैठक बुलाई गई है वही मैंने रखा भी अपॉइंट कि एक तो लीगल और जो चुनाव आयोग के पहलू हैं, चुनाव आयोग में दोनों पक्ष चले गए हैं, अजीत पवार गुट भी चला गया है और शरद पवार गुट भी चला गया है और शरद पवार गुट ने बता दिया कि हम लोगों ने उनको पार्टी से निकाल दिया और जो जो कार्रवाई जो पीछे मीटिंग्स हुई हैं उसका भी ब्यौरा दिया गया और उसका लीगल ऑप्शंस क्या क्या हैं, तमाम चीज़ों पर आज इस बैठक में जो 6 जनपद पे शरद पवार के घर पे 3 बजे से होनी है उसमें बातचीत की जाएगी और कैसे इसको काउंटर किया जाए। जो अजीत पवार गुट जाकर के टेक्निकल पहलू समझना चाहूंगा कि कल अजीत पवार ने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, तो क्या वो इस कार्यकारिणी की बैठक को बुला सकते थे? अजीत पवार गुट का इस पर क्या रिएक्शन है? क्यों नहीं बुला सकते? अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि अजीत पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये तो चुनाव आयोग फैसला करेगा ना, जो उनके एस्पेक्ट होंगे चुनाव आयोग के लीगल। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये अभी शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनसीपी के, लेकिन एक गुट निकल करके चला गया है सरकार में शामिल होने, एकनाथ शिंदे और जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वहाँ पे शपथ लिया, 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन अभी ये फैसला तो चुनाव आयोग करेगा कि असली शिवसेना को एनसीपी कौन सी है और किसके पास सिंबल जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे जब निकल गए तो चुनाव आयोग में ये मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, तो वो एक अलग एस्पेक्ट होगा। उसकी तैयारी दोनों पक्ष की तरफ से की जा रही है, दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स वहाँ रखे, अपने अपने पत्र वहाँ भेजे हैं और लेकिन आज जो होगा कि आगे कैसे लड़ाई लड़नी होगी कानूनी तौर से और चुनाव आयोग के फ्रंट पे और जमीनी तौर से कैसे लड़ाई लड़नी होगी, ये इस कार्यकारिणी में बैठक तमाम जो बड़े नेता हैं कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनमें ये तय किया जाएगा और एक बार फिर ये कहा जाएगा कि शरद पवार जो हैं एनसीपी के बड़े नेता हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी तो फैसला नहीं हुआ ना कि अजीत पवार के कहने से या किसी के कहने से कोई नेता बन नहीं जाता, कोई हटना, ये तो चुनाव आयोग और कानूनी तौर से जो भी तय होगा उसमें तय किया जाएगा।